प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित कविता यह दीप अकेला लेकर प्रस्तुत हुआ। तो चलिए, कविता के पाठन एवं व्याख्यान से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। यह दीप अकेला कविता का रचना काल 1953 ईस्वी है, जो कि अज्ञेय जी की काव्य संग्रह बावरा अहेरी में संग्रहित है। अज्ञेय जी मुख्यतः प्रयोगवादी काव्यधारा और नई कविता के कवि रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर यह आरोप भी लगता रहा है कि वे व्यक्तिवादी कवि हैं। पर इस अवधारणा को यह कविता तोड़ती है। यह कविता व्यक्ति की अपेक्षा समाज की सार्थकता और महत्ता को रेखांकित करती है। यह दीपक प्रेम पूर्ण हृदय वाले व्यक्ति का है और यह पंक्ति समाज का प्रतीक है। यद्यपि अकेला दीप अर्थात अकेला अज्ञेय अपनी लघुता से भयभीत होकर कांपने वाला नहीं है, उसे पवन रूपी विरोधियों का भय नहीं है। वह विरोधियों से लड़ सकता है, पर उसकी सार्थकता पंक्ति में रहने में ही है। यह व्यक्ति कितना भी शक्ति संपन्न और प्रतिभाशाली क्यों ना हो, पर समाज से अलग होकर उसकी सार्थकता नहीं हो सकती। पंक्ति से अलग दीप अर्थात समाज से अलग रहते अज्ञेय जी ने अपनी पीड़ा की गहराई को नाप लिया है। समाज से अलग रहने वाले व्यक्तित्व को हमेशा से ही निंदा, अपमान और अवज्ञा उसी प्रकार सहनी पड़ती है जिस प्रकार अकेला दीपक अंधकार से लड़ता रहता है। यह दीप अकेला कविता में अज्ञेय जी ने ऐसे दीप की बात कही है जो स्नेह गर्भ से भरा मदमाता है, किंतु फिर भी वह अकेला है। अज्ञेय जी इस कविता में कहते हैं कि इस अकेले दीप को भी पंक्ति में शामिल कर लिया जाना चाहिए। पंक्ति में शामिल करने से उस दीप की महत्ता एवं सार्थकता बढ़ जाएगी। दीप का पंक्ति या समूह में विलय ही उसकी ताकत तथा उसकी सत्ता का सार्वभौमिकरण है। ठीक यही स्थिति मनुष्य की भी होती है। व्यक्ति सर्वशक्तिमान एवं सर्वगुण संपन्न होता है, फिर भी समाज में उसका विलय आवश्यक है, क्योंकि समाज से अलग रहकर व्यक्ति अकेला एवं अपूर्ण है। व्यक्ति के समाज में विलय से समाज और उसकी सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया है। दीप का यह पंक्ति में विलय व्यष्टि का समष्टि में विलय है और आत्मबोध का विश्व बोध के रूप में रूपांतरण। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। हमेशा की तरह मैंने कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया हूं। तो आइए कविता के पाठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा यह मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित
यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मधुमाता पर इसको भी पंक्ति दे दो। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति अज्ञेय द्वारा रचित कविता यह दीप अकेला से लिया गया है। यहां अज्ञेय जी ने स्वयं पर दीपक का आरोप करते हुए अपने दृढ़ आत्मविश्वास, ऊपर उठने की भावना और अपने अस्मिता भाव को अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में अज्ञेय जी कहते हैं कि यह दीप रूपी मानव है, यह स्नेह अर्थात तेल से भरा हुआ अकेला और मस्त है, यह अपने गर्भ में चूर और मस्त है, इसको भी पंक्ति अर्थात समाज में शामिल कर लेना चाहिए, जिससे कि यह समाज के काम आ सके और इसका जीवन सार्थक हो। अज्ञेय जी आगे कहते हैं कि यह ऐसा मानव है जो अनोखे गीत रचता है, जिसे और कोई नहीं रच सकता। यह मानव उस गोताखोर की तरह है जो विचारों के मोती चुन कर लाता है, जिन्हें और कोई नहीं चुन सकता है। अर्थात जिस तरह गोताखोर पानी के अंदर गहराई में जाकर मोती चुन कर लाता है, उसी तरह यह मानव भी इतना कुशल है कि विचारों के मोती को चुन चुन कर लाता है। यह प्रतिभाशाली मानव उस लकड़ी की तरह है जो खुद जलकर वातावरण में पवित्रता फैलाती है। अर्थात यह व्यक्ति अपने विचारों से क्रांति की आग लगा सकता है, इसके जैसा कोई नहीं। अज्ञेय जी पुनः कहते हैं कि मैं इस दीपक के माध्यम से समाज के प्रति अपने आपर को समर्पित कर रहा हूं। अज्ञेय जी आगे कहते हैं कि वास्तव में यह व्यक्ति अद्वितीय और अतुलनीय तथा अहम भाव का साकार रूप है। आज यह अकेला स्नेह युक्त गर्व के कारण मस्त बना हुआ है, इसको भी पंक्ति रूपी समाज में स्थान दे दो, ताकि यह समाज के काम आ सके। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पै, यह अंकुर फोर धरा को रवि को तकता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुक्त, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मधुमाता पर इसको भी पंक्ति दे दो। तो आइए इन पंक्ति के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहां अज्ञेय जी अस्मिता पर दीपक का आरोप करते हुए कह रहे हैं। तो आइए व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में अज्ञेय जी कहते हैं कि मेरा व्यक्तित्व मधु के समान है, जो स्वयं काल रूपी मधुमक्खी द्वारा ईगों से के प्रयत्न से फलस्वरूप संचित हो सका है। मेरा व्यक्तित्व जीवन रूपी कामधेनु के अमृत तुल्य पवित्र दूध से निर्मित दही या मक्खन के समान है। इसमें से भावनाओं के अंकुर स्वतः उसी प्रकार फूटते रहते हैं जैसे बीज धरा को फोड़ते हुए अंकुरित हो उठता है। भाव यह है कि मेरा अस्तित्व अमरता एवं पवित्रता से युक्त है। यह एक ऐसी परम सत्ता है जो अपनी
स्वाभाविकता एवं सामर्थ्य के कारण स्वयं उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा से समता रखती है। यह ब्रह्मा स्वरूप अस्तित्व भी तभी सार्थक है जब शक्ति से संयुक्त हो जाए, क्योंकि शक्ति के बिना ब्रह्मा भी सृष्टि की रचना करने में समर्थ नहीं है। इसलिए उसकी शक्ति का विचार करके इसको भी अर्थात समूह में स्थान दे दो। इन पंक्तियों में अग्गे जी आगे कहते हैं कि जो भी आगे जाएगा अर्थात वास्तव में यह व्यक्ति अद्वितीय और अतुलनीय तथा अहम भाव का साकार रूप है। आज यह अकेला स्नेह युक्त गर्व के कारण मस्त बना हुआ है। इसको भी पंक्ति रूपी समाज में शामिल किया जाना चाहिए अर्थात इसे भी स्थान दे दो। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तों में अनुप्रास तथा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में यह सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उल्लंब बाहु यह चीर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय इसको भी भक्ति दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति दे दो। आइए पंक्ति के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहां अज्ञेय जी अस्मिता पर दीपक का आरोप करते हुए कह रहे हैं। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में अज्ञेय जी कहते हैं कि मेरा अस्तित्व उस हल्के विश्वास जैसा नहीं है जो तनिक संघर्ष से डगमगा जाए। मेरी वेदना बहुत मर्मांतक और गहरी है जिसे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं नाप सकता। उस व्यक्ति अर्थात अज्ञेय जी का जीवन निंदा अपमान और भर्त्सना से कटुता से पूर्ण अधिकार में व्यतीत हुआ है। फिर यह व्यक्ति सदैव करुणा से द्रवित लक्ष्य के प्रति सतत जागरूक और नेत्रों में अनुराग भरे जीवन पथ पर अग्रसर रहा है। इसके ऊपर की ओर उठी हुई बाहें विकास की उत्कंठा का प्रतीक है जो उत्थान की सूचना देती है। सदैव जिज्ञासु ज्ञान संपन्न और श्रद्धा से युक्त करने वाली जीवात्मा भगवान की भक्ति के अधिकारी है। ऐसे भक्त स्वरूप व्यक्तित्व को उस भक्ति रूपी आस्था से जोड़ देना चाहिए जो संघर्षों में भी जीवंत रहती है। अग्गे जी आगे कहते हैं कि वास्तव में यह व्यक्ति अद्वितीय और अतुलनीय तथा अहम भाव का साकार रूप है। आज यह अकेला स्नेह युक्त गर्व के कारण मस्त बना हुआ है। इसको भी पंक्ति रूपी समाज में स्थान दे दो, जिससे समाज आध्यात्मिक रूप से बना रहे, जुड़ा रहे और इस व्यक्ति की सारी आस्था समाज के काम आ सके। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास तथा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार अंततः मैं यही कहना चाहूंगा कि अज्ञेय जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंध को दर्शाया है। यह इस बात पर जोर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति समाज से अलग नहीं रह सकता, या यूं कहें कि समाज के बिना वह अधूरा है, या यूं कहें कि समाज और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक है। व्यक्ति समाज में रहकर ही अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है
और उसका वह विकास समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आज का मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो, एवं आप लोगों से आग्रह है कि अब तक यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।